अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं लुमियन के हवाले से, उसी पे डिस्कस करेंगे। ये मेरे भाई फैसल हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि जब मैं एक मॉडल में 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वीडियो क्लिप बना लेता हूँ, तो वो मैं रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग से, एक एक करके, जबकि मैं जब उसको रेंडर करता हूँ वो तीनों एक साथ रेंडर हो जाते हैं। नंबर दो पे भाई ने कहा है कि क्या लोमियन में आपने जो मॉडल बनाते हैं तो वो आप ही, मतलब आपको खुद बनाना पड़ता है या बना बनाया मिल जाता है? तो इन दोनों, अगर आप लोगों का भी ये मसला है तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और प्लीज़, आप लुमियन का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लुमियन 6, लुमियन 8, लुमियन 9, लुमियन 10, तो मुझे कमेंट में बताया करें ताकि उसी वर्जन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूं। काफ़ी तकरीबन लुमियन में काफ़ी ऑप्शन सेम है रेंडरिंग का कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ताकि आपके सामने सेम अगर वर्जन खुला हो तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरे पास सीन बना है, तो आपने जब इसमें 2 से 3 चीज़ें क्लियर होगी, जिन लोगों को पता नहीं है कि लुमियन में रेंडर करते कैसे हैं, वीडियो क्लिप कैसे बनाते हैं, तो उनका भी मसला हल हो जाएगा। अलग अलग से क्लिप जो रेंडर करने वाले हैं उनका भी मसला हल हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें, और नए लोग जो आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कुछ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो मूवी का ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये आपने सबसे टॉप वाले पे जाना है, रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड पे जब आपने चले जाना है तो आपके सामने जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो शो हो जाएगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 सेकंड का फी क्लिक आपका 2 सेकंड की वीडियो क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ से इस एंगल से इसका एक फोटो शूट कर लेता हूँ, और दूसरा एंगल मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करता हूँ, जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो 4 सेकंड, और 4 सेकंड की जो है क्लिप ड्यूरेशन बन गई है। मज़ीद आप किसी और एंगल से अगर इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ से आपने ओके का बटन प्रेस करना है, और ये आपका एक क्लिप रेडी हो गया, ठीक है। अभी चले जाते हैं क्लिप नंबर 2 पे। क्लिप नंबर 2 पे आप रिकॉर्ड पे चले जाएं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट का कोई दूसरा सीन है, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये मैंने दूसरा क्लिप बना लिया, एज ए फर्जी क्लिप बना लिया। नंबर 3 पे मैं 3 क्लिप, क्योंकि भाई के कमेंट में लिखा था कि मैं 3 वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं भी 3 ही बना रहा हूँ, और मैं 3 का ही अलहदा अलहदा आपको बताऊँगा कि 3 को अलहदा अलहदा रेंडर आपने कैसे करना है। ये लुमियन 8 हो, लुमियन 10 हो, सब में सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे में चेंज है और इसमें अलग अलग है। तो यहाँ आपका, आप प्ले करेंगे तो आपका जो आपने क्लिप बनाए हैं वो आपका क्लिप प्ले हो जाएगा, जो भी आप क्लिप प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल, आपने इसको रेंडरिंग कंप्लीट कर ली, फाइनल कर लिया। अभी आपने को इस क्लिप को आपने रेंडर करना है, तो रेंडर आप कैसे करेंगे? अगर तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया, यहाँ पे ये रेंडर मूवी, इस पे आपने क्लिक कर दिया तो आपके ये तीनों के तीनों क्लिप रेंडर हो जाएंगे एक सीक्वेंस से। नंबर 1 पे ये होगा, 2 पे ये होगा, 3 पे ये होगा। चले मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कोई सिंगल आपको नहीं बताया जा रहा कि आपने क्लिप 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, कौन सा करना है। तो यहाँ पे कोई नेम नहीं होगा, स्पेसिफिक नेम नहीं होगा कि कौन, ये आपके तीनों के तीनों को रेंडर कर देगा, ठीक है, पहली बात। अभी नंबर 2 पे आपने ये सिंगल क्लिप रेंडर करना है, ठीक है। इस पे मैं जब, इस पे आपने क्या करना है मैं तसल्ली से समझाता हूँ। क्लिप पे क्लिक करना है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो जिस क्लिप को आपने क्लिक करना है, या इसको करना है, इसको करना है, या इसको करना है, इसको क्लिक करना है, इसके लिए सेंटर में आपको एक मूवी का ऑप्शन आएगा, रेंडर क्लिप। इस पे जब आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा क्लिप नंबर 1 क्लिप को आप रेंडर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट क्वालिटी सेट करें, यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड सिलेक्ट करें, यहाँ पे रेजोल्यूशन सिलेक्ट करें, और इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपकी लोकेशन मांग लेगा कि किस जगह पे आपने इसको रेंडर करना है। तो ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। अभी पहले इस पे क्लिप नंबर 1 आया था, अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ देखें क्लिप नंबर 2 आ गया, अगर 3 को करता हूँ
तो थ्री पे देखें, जैसे इसको सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लिप नंबर थ्री आ गया। तो इसलिए आप अलहदा अलहदा क्लिप जो है अलहदा अलहदा रेंडर कर सकते हो। अगर यहाँ पे रेंडर करूँगा तो ये तीनों के तीनों रेंडर हो जाएंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है लुमियन 10, लुमियन 9, लुमियन 8 में आपने रेंडर किस तरह करना है। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों का ये मसला है तो इंशाल्लाह ताला इसको सॉल्व हो जाएगा। अभी बात आ जाती है नंबर टू, जो भाई मंसूर हैं इन्होंने मुझे कहा है कि आप क्या आप लुमियन में, ये कोई इतनी जनरल सी बात है कि लुमियन में, आपको पता है कि लुमियन लाइब्रेरी में यहाँ पे सारी चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये बनी बनाई मिल जाती हैं, जस्ट आपने वहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। आउटडोर में चले जाएं, जिस जगह पे आप मर्जी है व्हीकल में चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इजीली यहाँ से इसको यहाँ से सिलेक्ट करें तो ड्रैग एंड ड्रॉप आपको पता ही है कि किस तरह। मज़ीद मेरी वीडियो अगर देख लें, अगर आपको इस चीज़ की ये पेजेज़ हैं, तो ये मंसूर भाई का रिप्लाई का जवाब था कि आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें, क्लिक करें और यहाँ पे ड्रैग कर दें तो आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी आज की वीडियो में, इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।